गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मिक्स्ड सेंटेंसेस यानी मिश्रित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं उस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसे वाक्यों को रखा गया है जो विभिन्न संरचना वाले वाक्य हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, उनके अलग मॉडल है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शर्त प्रकट करने वाले, तुलना प्रकट करने वाले, उद्देश्य प्रकट करना, यानी भांति भांति के संरचना वाले वाक्यों को इसमें डाला गया है। इसमें 241 नंबर पर चल रहा है शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, यानी शर्त कैसे कैसे प्रकट की जाती है। यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। Unless you work hard, you cannot be successful. यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। Unless you work hard, you cannot be successful. जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। अगर वह दिल्ली नहीं जाएगा तो लाल किला नहीं देख सकेगा। अगर वह दिल्ली नहीं जाएगा तो लाल किला नहीं देख सकेगा। या देख रहे हैं अनलेस से जब आप शुरू करेंगे तो वह जोरदार शर्त होगी, यानी जो शर्त आप प्रकट करेंगे वह जोरदार तरीके से प्रकट करेंगे। अगर वह दिल्ली नहीं जाएगा तो लाल किला नहीं देख सकेगा। अनलेस ही गोज टू दिल्ली। देखिए, जब फ्यूचर टेंस में शर्त प्रकट की जाती है तो शर्त प्रकट करने वाला उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। इसीलिए यहां देख रहे लिखा है अनलेस ही गोज टू दिल्ली, ही वॉन्ट बी एबल, यानी ही विल नॉट बी एबल टू सी द रेड फोर्ट। अनलेस से शुरू है इसलिए जोरदार शर्त है। अनलेस ही गोज टू दिल्ली, अनलेस का मतलब यदि, जब तक की नहीं, तो अनलेस ही गोज टू दिल्ली ही विल नॉट बी एबल टू सी द रेड फोर्ट, यानी अनलेस के द्वारा जोरदार शर्त प्रकट की गई है। इफ ही डज नॉट गो टू दिल्ली, इफ से अगर लगाया, अनलेस नहीं लगाया, तो इफ ही डज नॉट गो टू दिल्ली प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में, ही वोंट बी एबल टू सी द रेड फोर्ट, यह एक साधारण शर्त है। इफ ही डज नॉट गो टू दिल्ली, अगर वह दिल्ली नहीं जाएगा, he will not be able to see the red fort. 242, जब तक आप अधिक अन्न नहीं उपजाओगे, जब तक आप अधिक अन्न नहीं उपजाओगे तब तक आप धनी नहीं हो सकते। जब तक आप अधिक अन्न नहीं उपजाओगे तब तक आप धनी नहीं हो सकते। Unless you grow मोर फूड, जब तक आप अधिक अन्न नहीं उपजाओगे तब तक आप धनी नहीं हो सकते। अनलेस यू ग्रो मोर फूड यू कैन नॉट बी रिच, अनलेस यू ग्रो मोर फूड यू कैन नॉट बी रिच। 243, यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो, यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो। वंस यू टेक ए डिसीजन स्टिक टू इट, यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो। वंस यू टेक ए डिसीजन स्टिक टू इट, यदि एक बार प्रतिज्ञा करो तो उसे निभाओ, यदि एक बार प्रतिज्ञा करो तो उसे निभाओ। वंस यू मेक ए प्रॉमिस, वंस यू मेक ए प्रॉमिस कीप इट, उसे निभाओ। या वंस का मतलब यदि एक बार, Once you make a promise, keep it. 244, यदि आपको, मैं आपको 50 रुपए उधार दे सकता हूँ, मैं आपको 50 रुपए उधार दे सकता हूँ बशर्ते आप एक सप्ताह में लौटा दें, मैं आपको 50 रुपया उधार दे सकता हूँ बशर्ते आप एक सप्ताह में लौटा दें। आई कैन लैंड यू 50 रुपीज, आई कैन लैंड यू 50 रुपीज
मैं आपको 50 रुपए लौटा दे सकता हूं। आई कैन लैंड यू 50 रुपीज प्रोवाइडेड बसरते कि, या प्रोवाइडेड दैट बसरते कि यू रिटर्न इट इन ए वी। मैं आपको 50 रुपया उधार दे सकता हूं बसरते आप एक सप्ताह में लौटा दें। आई कैन लैंड यू 50 रुपीज, मैं आपको 50 रुपया उधार दे सकता हूं, बसरते की अंग्रेजी प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट आप एक सप्ताह में लौटा दें, यू रिटर्न इट इन ए वीक। इस बार जुर्माना माफ कर सकता हूं बसरते तुम ऐसी गलती फिर न करो। इस बार जुर्माना माफ कर सकता हूं बसरते तुम ऐसी गलती न फिर न करो। आई कैन एक्सक्यूज दिस फाइन दिस टाइम, आई कैन एक्सक्यूज फाइन दिस टाइम ऑन कंडीशन दैट, शर्त यह है कि, आई कैन एक्सक्यूज फाइन दिस टाइम ऑन कंडीशन दैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन, यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। फिर समझिए, आई कैन एक्सक्यूज फाइन दिस टाइम, आई कैन एक्सक्यूज फाइन दिस टाइम ऑन कंडीशन दैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन, कि दोबारा तुम यह गलती नहीं करोगे। अगला है, तुम्हें पुस्तकें मिल सकती हैं, तुम्हें पुस्तकें मिल सकती हैं बशर्ते तुम समय से लौटा दो। तुम्हें पुस्तकें मिल सकती हैं बशर्ते तुम समय से लौटा दो। यू कैन गेट बुक्स, तुम्हें पुस्तकें मिल सकती हैं, यू कैन गेट बुक्स सो लॉन्ग एज, बशर्ते कि, सो लॉन्ग एज यू रिटर्न देम इन टाइम। यू कैन गेट बुक्स सो लॉन्ग एज यू रिटर्न देम इन टाइम। 245, वह मुझे याद करे या न करे, वह मुझे याद करे या न करे मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। वह मुझे याद करे या न करे, चाहे वह मुझे याद करे या न करे मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। वेदर ही रिमेम्बर्स मी आर नॉट, वेदर ही रिमेम्बर्स मी आर नॉट आई कैन नेवर फॉरगेट हिम, वेदर ही रिमेम्बर्स मी आर नॉट आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। तुम्हें चाहे किताब हो या न हो, तुम्हें पाठ तैयार करना ही पड़ेगा, तुम्हें चाहे किताब हो या न हो तुम्हें पाठ तैयार करना ही पड़ेगा। तुम्हें किताब हो या न हो तुम्हें पाठ तैयार करना ही पड़ेगा, ऊपर वाले में चाहे है, इसमें चाहे नहीं है। तुम्हें किताब हो या न हो तुम्हें पाठ तैयार करना ही पड़ेगा। वेदर यू हैव ए बुक आर नॉट, Whether you have a book or not, you shall have to prepare your lesson. Whether you have a book or not, you shall have to prepare your lesson. तुम्हें अपना पाठ तैयार करना ही पड़ेगा। हम चाहे लिखें या बोलें, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। हम चाहे लिखें या बोलें, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। Whether we write or speak, चाहे हम लिखें या बोलें, whether we write or speak, we should observe the rules of grammar. हम चाहे लिखें या बोलें, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। Whether we write or speak, चाहे हम लिखें या बोलें, we should observe the rules of grammar. हम चावल खाएं या चपाती, हम सब भारतीय हैं। हम चावल खाएं या चपाती, हम सब भारतीय हैं।
whether we eat rice or bread, whether we eat rice or bread, we are all Indians. Whether we eat rice or bread, we are all Indians. हम धनी हो या गरीब, हम सभी को मरना है. हम धनी हो या गरीब, हम सभी को मरना है. Whether we are rich or poor, we all must die. हम धनी हो या गरीब, हम सभी को मरना है. Whether we are rich or poor, we all must die. 247. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Give me blood and I will give you freedom. Give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Give me blood and I will give you freedom. अधिक बच्चे पैदा करो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा. अधिक बच्चे पैदा करो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा. Produce more children and your family will be ruined. Produce more children and your family will be ruined. अथवा if you produce more children, your family will be ruined. तो translation होगा, अधिक बच्चे पैदा करो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा. Produce more children and your family will be ruined. अथवा if you produce more children, your family will be ruined. इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो के अंतर्गत, यानी चैप्टर की इस वीडियो के अंतर्गत आपको सात प्रकट करने वाले विभिन्न प्रकार के वाक्यों को, जिनकी बनावट अलग अलग प्रकार की हो रही है, फ्यूचर टेंस में सर, प्रेजेंट टेंस में सर, बीते हुए समय की सर, या बात ही बात के साथ प्रकट करने वाले वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार से बनाते हैं, उसका अध्ययन किया गया. थैंक यू.